सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये पूरे देश में लागू हो चुका है, पर सीएए और एनआरसी पर विरोध पूरे देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले कई दिनों से महिलाएं प्रोटेस्ट पर बैठी हुई हैं और उन्हीं महिलाओं से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की मुस्लिम महिलाएं भी आज से यानी 19 जनवरी 2020 से सीएए के खिलाफ धरने पर बैठ गई है। उनसे पूछने पर बताया कि ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। सरकार से ये सवाल है हमारा, ये सवाल है हमारा कि जब संविधान में हमको समानता का अधिकार मिला है, आर्टिकल 14 में ये चीज स्पष्ट रूप से लिखी है, तो आज हमें वो समानता का अधिकार क्यों छीना जा रहा है हमसे? क्यों मुसलमानों के साथ ये क्यों? आज हमारा ये सवाल सरकार से है। मैं आपसे कुछ दो चीजों पे रोशनी डालना चाहूंगी। जैसे बोलते हैं घुसपैठिया, तो घुसपैठे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला वो जो किसी दूसरे देश से आया हो 3 महीने के लिए हमारे देश में रहने के लिए, अब उसका वीजा हो गया खत्म, लेकिन फिर भी वो हमारा देश में रह रहा, ये एक टाइप का घुसपैठिया हो। ऑपरेशन भी यहाँ से शुरू किया है, क्या पूरा विरोध है आपका? जी, जब हमको संविधान में ये अधिकार है कि समानता का अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 के तहत, तो हमको समानता का अधिकार चाहिए। अब ये संशोधन जो संशोधन किया है 2019 से, ये जो उसमें बदलाव किए हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमने उसी के तहत ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए किया है। और हम चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, जो ये कानून बनाया है, उस कानून को वो वापस ले। कब तक रहेगा धरना? विरोध करते हैं, ये अनिश्चितकालीन के लिए। क्या नाम लिखते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।